भला जीवन के जीने किए हैं कला। करते चलो सबका भला जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो के जीने किए हैं कला। इसके बिना जीवन क्या है भला जीवन के जीने किए हैं कला। करते चलो के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो ओम शांति। किस किस को याद है क्या करना था दो घंटा? सर्कल वाइट, किस किस का वाइट रहा दो घंटा? किस किस का थोड़ा सा मेला हो गया? अच्छा, क्या हुआ जिससे मेला हो गया? क्या हुआ जिससे मेला हो गया? नहीं बताना। हाँ, तो इसका मतलब ये वाली बात कि यहाँ इस कैंपस में सर्कल मेला नहीं होगा, ये बात तो राइट नहीं है। लेकिन ये बात भी राइट है कि जहाँ अटेंशन रखेंगे। अच्छा, किस किस के सामने कोई बात आई लेकिन ध्यान रख के फिर ठीक कर लिया? ध्यान रखना इजी है, ध्यान रखना इजी है।
हाँ थोड़ा कॉन्शियस होते हैं ना, हाँ जैसे वाइट ड्रेस पहन के थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कहीं भी बैठे कहीं भी टच कर दिया, थोड़ी भी मिट्टी लग गई कुछ गिर गया खाते समय, ऐसा नहीं चल सकता वाइट ड्रेस पहन के। लेकिन कितना ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़े दिन के बाद उसको ध्यान रखना भी नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग हो जाएगा। तो मेडिटेशन का मीनिंग है ध्यान। हिंदी में मेडिटेशन को क्या कहते हैं? ध्यान। ध्यान मतलब ध्यान। हम कहते हैं हमें मेडिटेशन नहीं करना आता, बड़ा डिफिकल्ट है, होता नहीं है। मेडिटेशन मतलब ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? इसका ध्यान रखना, सारा दिन में सब कुछ करते हुए लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ सब ठीक रहे, ताकि सुबह जाएंगे वाइट सर्कल के साथ, सबको वो प्योरिटी हम क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनका हम इलाज करते हैं, जिनको हम चलते फिरते मिलते हैं, उनको हमारे वाइट सर्कल से क्या मिलता जाएगा? प्योरिटी एंड पावर। हमारा एनर्जी फील्ड हमारी परफ्यूम की तरह है, आप चूज करते हैं कौन सा परफ्यूम लगाना है, लेकिन सुबह आपने जो परफ्यूम लगाया आपके आसपास के लोगों को सारा दिन वही खुशबू मिलेगी। अभी किसी दिन अगर चिंता का परफ्यूम लगा लिया, धीरे धीरे अटेंशन नहीं रखते हैं हम, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर कौन कौन सी इमोशंस बैठी हुई हैं। ये तो अब जब सफाई करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे 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 दिखेगी। अभी तो मोटी मोटी देख रहे हैं सिर्फ गुस्सा, ये तो बहुत मोटे मोटे दाग होते हैं, धीरे धीरे सूक्ष्म दाग छोटे 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 छिपे हुए। बट इट्स अ जर्नी, ये एक जर्नी है अपनी सफाई की। क्यों सफाई करनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोगों को लगता है कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं सारा दिन, या ओवरऑल वातावरण, समाज की मनोस्थिति थोड़ी सी बदली है पिछले कुछ सालों में? यस, हॉस्पिटल में ही देख लो, कुछ साल पहले तक पेशेंट डॉक्टर के पैर छूते थे, अब गुस्सा कर देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ हो गया तो हाथ भी उठ जाता है। ये कोई बहुत पुरानी बात तो है ही नहीं ना, अभी अभी 4 साल 5 साल 10 साल और कितना हुआ होगा। सेम टीचर चाइल्ड, पेरेंट टीचर, जब मैं स्कूल्स में अभी जाती हूँ तो टीचर्स को पूछो कौन सा टॉपिक, तो कहते पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना है। मैं बोला हमें तो यही याद है कि हमारे पेरेंट्स तो टीचर से डरते थे कि टीचर को हमेशा खुश रखना, टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करना। कहते वो समय गया, अभी तो पेरेंट्स आकर हमको ही डांट के चले जाते हैं। अगर उनके बच्चे को कुछ कह दिया तो बच्चे के सामने ही हमको डांट के चले जाते हैं। ये सब अभी अभी का है, मतलब जब हम स्टूडेंट्स थे और अब में ये परिवर्तन। ये किस चीज़ का सिग्नल है? ये किस चीज़ का सिग्नल है कि हमने बाह्य रूप से तरक्की बहुत की, लेकिन वो तरक्की करते हुए क्योंकि हमने यहाँ ध्यान नहीं रखा तो उतनी तीव्र गति से आंतरिक रूप से घटे भी। लेकिन ब्यूटीफुल पार्ट ये है, जैसे ही ध्यान रखेंगे वो आंतरिक शक्ति तो वापस बढ़ जाएगी। तो परमात्मा जो हमें बताते हैं, आपको जो 3 दिन में पता चलेगा, 3 चीज़ों का ज्ञान। एक खुद का ज्ञान कि मैं कौन, दूसरा परमात्मा अपना परिचय देते हैं, और तीसरा परमात्मा समय का परिचय देते हैं। जब समय का परिचय मिल जाए तो लोगों को समझना और हमें क्या करना है उसमें वो बहुत इजी हो जाता है। तो अभी के युग को कौन सा युग कहते हैं? कलयुग। क्यों कलयुग कहते हैं उसको? कलयुग मतलब काला रंग, काला रंग मतलब कलह कलेश, मनोस्थिति, मनोस्थिति में कलह कलेश हुआ है। तो एनर्जी सर्कल कौन सा हो गया? ब्लैक।
सत्युग में एनर्जी सर्कल कौन सा था? वाइट. तो देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? वाइट एनर्जी सर्कल. सत्युग में देवी देवताएं क्या करते हैं? सिर्फ देते हैं. कलयुग में हर एक क्या सोच रहा है? इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा इसमें क्या फायदा है. तो हम मांगने की साइड पर आ गए. तो सृष्टि का समय कौन सा चल रहा है अभी? हम सब सुबह 7 बजे भी यहाँ थे, फिर हम दोपहर को भी यहाँ थे, फिर हम शाम को भी यहाँ थे, अब हम रात को भी यहाँ है. लेकिन सुबह में और रात में फर्क हो गया? सुबह में और रात में फर्क हो गया? सेम हम लोग सुबह थे, हम ही लोग रात में हैं, लेकिन सुबह हम क्या थे? फ्रेश थे, क्लीन थे, एनर्जेटिक थे. अभी रात तक हम थोड़े क्या हो गए? थक गए, मैले हो गए, पसीना आ गया. अब हम क्या करेंगे? इसके बाद रेस्ट करेंगे, तैयार होंगे, और हम ही कल सुबह यहाँ होंगे. ये रोज होता है ना, ये रोज होता है. तो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, हम 24 घंटे के अंदर परिवर्तन देखते हैं. जो सुबह थे वो ही रात को होते हैं, और वो ही फिर सुबह भी होते हैं. इसी तरह एक थोड़ा बड़ा साइकिल है, ये छोटा साइकिल है, 24 घंटे के बाद रिपीट होता रहता है. एक थोड़ा बड़ा साइकिल है जिसको कहते हैं वर्ल्ड का साइकिल, कि सृष्टि पर, इस प्लैनेट पर सुबह, फिर इस प्लैनेट पर दोपहर, फिर इस प्लैनेट पर शाम, और फिर इस प्लैनेट पर रात. तो सृष्टि पर जो सुबह होगी उसको क्या कहेंगे? सृष्टि पर सुबह होगी फ्रेश, प्योर, क्लीन, एनर्जेटिक, तो उस समय को कौन सा युग कहेंगे? सत्युग कहेंगे. फिर सृष्टि पर दोपहर होती है तो त्रेता युग कहेंगे. फिर सृष्टि पर शाम होती है तो द्वापर युग कहेंगे. फिर सृष्टि पर रात होती है तो उसको कौन सा युग कहेंगे? कलयुग कहेंगे. अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी चल रहा है घोर कलयुग. रात भी तो लंबी चलती है ना, रात, फिर घोर रात्रि, और घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद, रात के बाद सुबह, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद, अच्छे से बोलो, आने वाला है सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद सत्युग. अब जो सुबह थे यहां वो रात को यहां है, कल सुबह वो यहां फिर से होंगे. जो सत्युग में थे, जो सत्युग में थे वो ही फिर त्रेता युग में थे, वो ही फिर द्वापर युग में थे, वो ही फिर कलयुग में आए. जब वो सत्युग में थे तो कैसे थे वो? आत्मा की बैटरी देखते हैं. सत्युग में कैसी होगी? फुल्ली चार्ज्ड, सर्कल वाइट, आत्मा डिवाइन, डिवाइन आत्मा को देवी देवता. शरीर कैसा होगा उनका? शरीर कैसा होगा सत्युग में? बॉडी कैसी होगी सत्युग में? डॉक्टर, सत्युग में हॉस्पिटल. तो आपकी जॉब तो बस इस युग युग तक की है, उसके बाद हॉस्पिटल तो नहीं हो सकते हैं. लेकिन जब तक कलयुग चल रहा है तब तक ये प्रोफेशन बहुत सेफ है. कलयुग के एंड तक बीमारियां घटने के नहीं, अब बढ़नी पड़नी है सिर्फ, क्योंकि आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है. अभी भी अगर हम देखें हॉस्पिटल्स में भी इलाज बहुत बढ़ गए हैं, पहले नहीं थे, स्कैन नहीं, टेस्ट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, नहीं था. लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत बढ़ गई, अब हो गए ना. तो कई बार डॉक्टर कहते हैं इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रही है? क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में बाद में बनती है, पहले कॉम्प्लिकेशंस कहाँ हो रही है. तो जितनी आत्मा कॉम्प्लिकेटेड सोचती जाएगी ना, उतना उसकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस मैनिफेस्ट होंगी. जितना माइंड ईजी होगा
तो बॉडी को कोई बीमारी आएगी भी तो वो इजीली सहज सरल तरीके से ठीक हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे हॉस्पिटल में सेम बीमारी, सेम डॉक्टर, सेम हॉस्पिटल, सेम दवाई, चार लोग अलग अलग डिफरेंट रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? क्योंकि एक फैक्टर कौन सा है जो हीलिंग कर रहा है, एक फैक्टर कौन सा है जो उनकी हीलिंग कर रहा है, जिस वजह से वो डिफरेंट है। हमें लगता है हॉस्पिटल में कि हम इनको ठीक करके घर भेजते हैं, किसी के लिए हम सोचते हैं इसको 4 दिन लगेंगे, उसको 8 दिन लग जाते हैं, किसी के लिए हम सोचते हैं इसको 8 दिन लगेंगे, वो 4 दिन में ठीक हो जाता है। ये क्यों मेडिकल साइंस की प्रेडिक्शन हमेशा राइट नहीं निकलती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका मन। तो हमारा रोल क्या है कि हम आए हुए पेशेंट के मन को पहले क्या कर दें? आप अगर उनके मन को पहले शांत कर दो, आपका आधा काम हो जाएगा वहां पे, क्योंकि फिर उनका मन उनके शरीर की हीलिंग में काम करता है। इसलिए हॉस्पिटल का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस कैंपस में आए, कैसा लगा आके? डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी। अब डिफरेंट एनर्जी में आते ही माइंड क्या होने लगता है? साइलेंट। जैसे ही आपका माइंड साइलेंट होने लगता है, आपकी बॉडी पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो सत्युग में जब आत्मा होगी 100% प्योर, तो बॉडी कैसी होगी? फिर बॉडी कैसी होगी? निरोगी कंचन काया। आज दिन तक मंदिर में देवताओं की खंडित मूर्ति स्थापन नहीं करते, क्योंकि देवताओं के शरीर कभी खंडित होते नहीं। इसीलिए सत्युग में हॉस्पिटल नहीं। गुड न्यूज़ नॉट गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ नॉट गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। तो सत्युग में आत्मा प्योर, शरीर निरोगी, प्रकृति 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 कैसी होगी? प्रकृति किससे बनती है? प्रकृति भी किससे बनती है? प्रकृति के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट किसका आता है? किस किस ने अनुभव किया? आपके गार्डन में अगर कोई पौधा है, उसके ऊपर आपकी मनोस्थिति का असर पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कोई भी करके देख सकता है। 2 प्लांट्स सिलेक्ट कर लो, एक पौधे को रोज पानी दो, लेकिन ऐसे ही पानी दो, पानी देना है इसलिए दो, हो सके तो एक आधी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेना, क्या मुसीबत है रोज पानी देना पड़ता है, इतना काम अभी इसको भी पानी देना, ऐसा 2 नेगेटिव थॉट के साथ लेकिन पानी दो। और दूसरे पौधे को प्यार से, अच्छे से, ऐसे हाथ लगा के भी, परमात्मा को याद करके पानी दो, दोनों में फर्क देखना। पानी दोनों को मिलेगा, लेकिन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन दोनों पर अलग अलग, दोनों पौधों पर अलग अलग असर होगा। इस विद्यालय में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है योगिक खेती। खेतों में जाके मेडिटेशन करते हैं, खेतों में जाके मेडिटेशन करते हैं, और उसका जो रिजल्ट कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, वो तो चलो अलग नहीं, लेकिन वो जो निकल के आता है फल सब्जी, उसका साइज, उसका कलर, उसका टेस्ट, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन से बनाई गई है। तो यहाँ की जो हर थॉट है वो किस किस पर असर कर रही है, अब ये फिक्स्ड करना, मेरी हर थॉट किस किस चीज़ पर असर करती है। हमारी हर थॉट, हर संकल्प सबसे पहले हमारी फीलिंग क्रिएट करता है। अगर हमारी सोच अच्छी, हमारी फीलिंग्स अच्छी होंगी, फिर हमारी हर थॉट हमारे शरीर को जाती है, तो हमारी हर सोच हमारी शरीर की सेहत बनाती है, फिर हमारी हर थॉट लोगों तक पहुंचती है, जिसके लिए हम सोच रहे हैं उन तक हमारी सोच पहुंच जाती है, हमारी सोच से रिश्ते बनते हैं। रिश्तों में हम क्या करते हैं? नहीं तो हम प्यार से बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन ये नहीं चेक करते हम उनके लिए सोच क्या रहे हैं,
क्या हो सकता है हम किसी से प्यार से बात करें लेकिन अंदर थोड़ा कुछ दूसरा सोच ले? होता है या नहीं होता? हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई पेशेंट ही आके बैठ जाए, 2 मिनट ज्यादा ले रहा है, बात तो प्यार से उससे हम करते हैं, हाँ जी और बताइए, हाँ जी, अंदर लेट हो रहा है, तो अंदर कौन सी थॉट क्रिएट हो जाती है? अंदर कौन सी थॉट क्रिएट हो जाती है? और हम कहते हैं ये तो नेचुरल है, अब लेट हो रहा है तो लेट हो रहा है, थॉट आएगी, लेकिन हमारी वो थॉट दूसरे तक पहुंच जाती है, क्योंकि थॉट्स वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन यहाँ ट्रैप्ड नहीं रहने वाली है, वो जाती है। तो हमारे रिश्ते हमारे बोल और व्यवहार से नहीं, हमारी सोच से बनते हैं। अगर अपना रिश्ता किसी के साथ भी ठीक करना है, अपनी सोच उनके लिए जो है वो बदल लीजिए। अंदर उनके प्रति क्रिटिकल सोचना, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे नहीं, ऐसे, ये सब वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचता है। तो हमारी सोच से फीलिंग्स, बोलते हैं सारे इकट्ठे, हमारी सोच से फीलिंग्स, हमारी सोच से सेहत, हमारी सोच से रिश्ते, और हमारी सोच से वायुमंडल, वातावरण, सृष्टि। इस हॉल की एनर्जी क्या होगी? हम सब की सोच, हमारी एनर्जी फील्ड इस हॉल की एनर्जी फील्ड को क्रिएट करती है। तो हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है। अब कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, अब का जो समय है कलयुग के भी आगे, घोर कलयुग, और घोर कलयुग एक तरफ बढ़ता जाएगा, दूसरी तरफ क्या शुरू होता जाएगा? जब आप 4 बजे यहाँ उठते हैं सुबह, एक तरफ रात है और कुछ लोगों के लिए उसी टाइम सुबह है, वो टाइम ऐसा होता है कि रात फिनिश हो रही है और मॉर्निंग शुरू हो रही है, लेकिन वो 4 बजे का समय वो है जहाँ मेजॉरिटी लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग उठ रहे होंगे। अब सृष्टि का भी वही समय होगा, मोस्ट लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग उठ रहे होंगे, मतलब वो अपने सोच को चेंज करेंगे, संस्कारों को चेंज करेंगे, जीवन जीने के तरीके को चेंज करेंगे। कलयुग से सत्ययुग कैसे बनेगा? सृष्टि पे कलयुग है, सत्ययुग कैसे बनेगा? सृष्टि पर कलयुग है। अच्छा, ये कलयुग किसने बनाया? हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? उठा लो, हाथ उठा लो, किस किसने कंट्रीब्यूट किया? वेरी गुड, एटलीस्ट उतना हमको क्लैरिटी है कि ये सृष्टि किसने बनाई? हमने बनाई। कैसे बनाई? अहंकार किया, गुस्सा किया, नफरत की, चिंता की, वो लिस्ट यूज़ की, हमने कलयुग बना दिया। फिर पिछले कुछ सालों में हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया तो घोर कलयुग बना दिया। सत्ययुग कौन बनाएगा? अच्छा, अब कौन रेडी है सत्ययुग को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बनाने के लिए? वेरी गुड, और आपने हाथ उठाया और आपको पता है सत्ययुग कैसे बनाना है, कलयुग कैसे बनाया, अब उसका ऑपोजिट बनाना है, सत्ययुग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सत्ययुग? कैसे बनाएंगे? कलयुग बनाया, कौन से संस्कार यूज किए? सत्ययुग बनाना है तो कौन से संस्कार यूज करेंगे? संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से संसार, संसार यहाँ से बनता है। हम रोज कह रहे दुनिया देखो क्या है, दुनिया कब बदलेगी? कौन बदलेगा इस दुनिया को? हम कोई ना कोई वर्ग पे उंगली रखते हैं, ये लोग करेंगे, वो लोग नहीं कर सकते। संसार को एक ही जना बदल सकता है, मैं खुद। मुझे अपने संसार को पहले बदलना है। हर एक ने जिम्मेवारी किस चीज की लेनी है? मुझे अपने संसार को पहले बदलना है। जैसे जैसे हम अपने संसार को बदलते जाएंगे, ये संसार बदल जाएगा। तो सत्ययुग लाने में हमने हाथ उठा लिया, और भैया बहुत प्यार से आके आपकी फोटो भी खींच के चला गया।
अब वो ये फोटो डाल देगा कि इन सब ने हाथ उठाया था सत्ययुग बनाने में, आपको पता ही नहीं चला आपकी कैप्चर हो गई फोटो। एक बहुत ब्यूटीफुल समय चल रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन है कि एक तरफ ये ख़त्म हो रहा है, दूसरी तरफ वो शुरू हो रहा है। दुनिया में कुछ लोग डेट्स देते हैं कि ये डेट तक सृष्टि पर ये हो जाएगा, ये डेट पर सृष्टि पर ये हो जाएगा, ये डेट पर सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। परमात्मा ने बहुत साल पहले ही बता दिया था प्रलय नहीं होगी इस सृष्टि की, ये सृष्टि खत्म नहीं होगी, ये सृष्टि आदि अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। विनाश सृष्टि का नहीं होगा, विनाश होगा तो किसका होगा? कलयुगी जीवन जीने के तरीके का विनाश होगा, नॉट सृष्टि का विनाश। कलयुगी वो युग का विनाश होगा, कलयुग का विनाश होगा, लेकिन कलयुग का विनाश मतलब किसकी शुरुआत? सत्ययुग। शाम की फिनिश हुई तब तो रात शुरू हुई, रात फिनिश होगी तब तो सुबह शुरू होगी। तो कलयुगी रात भी फिनिश होनी है और कलयुगी रात फिनिश होके सत्ययुगी सुबह शुरू होगी। उसके लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हमने क्या कंट्रीब्यूट करना है सत्ययुग बनाने में? हमारा एवरी संस्कार कौन सा होगा? सत्ययुगी संस्कार। आप जब यहाँ से वापस जाएंगे मंडे को, कौन से युग में वापस जाएंगे? यहाँ से वापस जाएंगे तो कौन से युग में वापस जाएंगे? वही हॉस्पिटल, वही भीड़ भाड़, वही बहुत सारे लोग, कौन से युग में वापस जाएंगे? युग कौन सा हमारा है वो पहले यहाँ चलेगा। हमें सत्ययुग पहले कहाँ क्रिएट करना है? यहाँ क्रिएट करना है। हमारे जीवन में स्वर्ग चल रहा है या नर्क चल रहा है वो यहाँ डिसाइड होता है। आप परफेक्ट हॉल में बैठकर भी यहाँ अगर परेशान है, दुखी या शांत है तो जीवन नर्क है, है या नहीं? जीवन नर्क है, क्योंकि जीवन कहाँ है? यहाँ। इसकी क्वालिटी क्या है? और आप सारे कले कलेश के बीच रहते हुए भी अगर यहाँ पीसफुल है, जीवन स्वर्ग है, तो हमारा सत्ययुग कब स्टार्ट होगा? हमारा सत्ययुग कब स्टार्ट होगा? वो 6 बजे स्टार्ट हो गया था, इसलिए व्हाइट सर्कल बताया था। व्हाइट सर्कल को रोज रिवाइज करना और रोज अपने आप को ये याद दिलाना, मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ। जैसे हमें ये याद रहता है, मैं एक हीलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कोई बीमार होता है हम इमीजिएटली ठीक करते हैं क्योंकि हमें याद है मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ठीक करना है, ऐसे ही हमें ये याद रखना है मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ। सामने वाले ने नहीं चूज किया है सत्ययुगी आत्मा, हमने चूज किया है मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ। अब जो सत्ययुग में थे इस सृष्टि पर पहले, वो आज कहाँ होंगे? सत्ययुग में अभी तो कलयुग आ गया ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, घोर कलयुग, जो सत्ययुग में थे वो आज कहाँ होंगे? जो सत्ययुग में थे वो आज कहाँ होंगे? कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं वो जो सत्ययुग में थे? कहाँ बैठे हैं? कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं? हाथ उठा के दिखाओ कहाँ बैठे हो। इतनी दूर जाते हैं ना देवी देवताओं के साक्षात्कार करने के लिए। वो देवी देवताएं कौन है जिनकी मूर्ति की इतनी आज भी पूजा हो रही है? कौन है वो देवी देवताएं? कौन है वो देवी देवताएं? सत्ययुगी आत्मा, देवी देवता, प्योर डिवाइन। लेकिन फिर धीरे धीरे बैटरी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बैटरी क्या होती जाएगी? सत्ययुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग। आत्मा की प्योरिटी घटी, शरीर भी बदल गए, लेकिन वो ही आत्मा जो डिस्चार्ज हो गई है, अब वो ही आत्मा क्या होगी?
वही आत्मा फिर से चार्ज्ड होगी। सत्य नारायण की कथा करते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, हाँ, उसमें क्या कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये लाइन को पकड़ना, नर ऐसी करनी करे, मतलब नर कोई करनी करेगा जिससे नर क्या बन जाएगा, नारायण बन जाएगा, नारी क्या बन जाएगी, लक्ष्मी बन जाएगी। नर और नारी मतलब कौन सा युग, कलयुग। लक्ष्मी नारायण कौन सा युग, सतयुग। तो नर और नारी कुछ करेंगे, नर और नारी कुछ करेंगे जिससे वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे, मतलब कलयुग में हम कुछ करेंगे जिससे हम सृष्टि पर सतयुग लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि बैटरी जो थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है उसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं। सतयुग से कलयुग तक बहुत ईजी है, बैटरी ने क्या करना है, धीरे 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 धीरे। अब कलयुग से सतयुग जंप है, सतयुग से कलयुग क्या था, फुल बैटरी से ग्रेजुअली कम, अब कम से जंप फुल पे, तो कैसे करेंगे, बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, पावर हाउस से कनेक्ट करके। तो राजयोग, ध्यान, मेडिटेशन, मतलब परमात्मा से डायरेक्ट रिश्ता। जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, इसीलिए जब कलयुग का, ये घोर कलयुग का समय आता है, तो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, परमात्मा को खुद सृष्टि पर आना ही पड़ता है। जब तक परमात्मा खुद आकर हमें परिचय न दे, ज्ञान न दे, शक्ति न दे, तब तक हम इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब परमात्मा आते हैं तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई उनको पहचानते हैं, लेकिन जो पहचान के उनसे कनेक्शन जोड़ लेते हैं वो आत्मरूपी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जैसे ही आत्मरूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगे, यहाँ बदलेगा, यहाँ बदलेगा, इमोशंस बदल जाएंगे, वो सारी जो नेगेटिव लिस्ट थी वो घटती जाएगी, क्योंकि बैटरी परमात्मा से चार्ज कनेक्ट होकर क्या हो रही है, चार्ज। शरीर की हेल्थ बदलती जाएगी, आपके आसपास की प्रकृति बदलती जाएगी, सृष्टि बदलेगी, हमारा सतयुग स्टार्ट हो जाता है। और जब एक 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 जना अपना सतयुग बनाना शुरू करता है, तो फिर धीरे धीरे सृष्टि पर सतयुग आ जाता है। अगर ध्यान नहीं रखते तो आज बहुत सारे लोग अपने कलयुग को और कलयुग बनाते जा रहे हैं। सोचने का तरीका, वृत्ति, व्यवहार, काम करने का तरीका, घोर कलयुग, घोर कलयुग। तो अब जब हम वापस जाएंगे, कुछ लोग कलयुग वाली साइड पे मिलेंगे, हमें सिर्फ ध्यान रखना है हमें कौन सी साइड पे रहना है, हमें कौन सी साइड पर रहना है। देवी देवताओं के मंदिर में लोग कितनी देर लाइन में खड़े होते हैं, पहले तो कितनी दूर यात्रा करके जाते हैं, फिर कितनी देर लाइन में खड़े होते हैं, लंबी लंबी लाइन। दर्शन करने का कितना टाइम मिलता है, दर्शन करने का टाइम कितना मिलता है, वो भी कब धक्का लग जाता है पता ही नहीं चलता, कब इधर थे कब उधर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दर्शन करने के बाद हर एक जब बाहर आता है वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, कितने अच्छे दर्शन हुए। प्योरिटी की निशानी है, प्योरिटी की निशानी है। ऐसे ही आपके पास लोग हॉस्पिटल में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फिर कितनी देर बाहर बैठते हैं, तो लाइन में भी खड़े होते हैं, आपके दर्शन कितनी देर के लिए मिलते हैं, दर्शन कितनी देर के, थोड़े तो ज़्यादा मिलते हैं उससे ज़्यादा तो। लेकिन अगर हमारा सर्कल वाइट होगा ना, कम समय में भी सामने वाला संतुष्ट हो जाता है। अभी सामने वाली बैटरी डिस्चार्ज्ड है ना, तो प्रश्न ज़्यादा पूछती है, फिर उनके पास फ़ोन भी है
तो वो गूगल भी कर लेते हैं. तो गूगल करके आने से क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हमारे पास, क्योंकि हम पहले ही चेक कराते हैं ये बीमारी के साथ ये भी होता है, ये भी होता है, ये दवा के साथ. तो आधी पढ़ाई तो हम खुद करके आ जाते हैं स्टडी. तो हमारे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस पेशेंट के बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर के पास समय घटता जा रहा है. और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आने वाले 5 साल में और होगा. आपके पास टाइम घटता जाएगा क्योंकि आपके पास बाहर लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनके मन के प्रश्न ज्यादा बढ़ते जाएंगे क्योंकि यहां बहुत ज्यादा सोचते हैं. अभी कम समय में किसी को संतुष्ट करना, क्योंकि डॉक्टर से संतुष्ट होकर जाने की जरूरत है ना, कम समय में किसी को संतुष्ट करना ये बोल बोलकर नहीं किया जा सकेगा. उसका सबसे इजी तरीका क्या, अपना सर्कल वाइट रखो. वाइट सर्कल के सामने जब वो पेशेंट्स आएंगे, बैठेंगे, पहले तो उनके मन में जो इतने सारे प्रश्न होंगे ना, उनमें से आधे प्रश्न तो वो शांत हो जाएंगे, कहेंगे हाँ मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चंस थे लेकिन आपसे मिलकर अब मुझे लगा आई एम फाइन, मैंने ठीक हो जाना है. यहाँ पे ये विश्वास हो जाना चाहिए. विश्वास जब हो गया तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी. अब अगर जिसको वो पेशेंट मिलने आए, अगर उनका ही सर्कल थोड़ा हिला हुआ होगा, तो वो जो मन ऑलरेडी ज्यादा सोच रहा था उसकी स्पीड सोचने की और हो जाएगी. और जब ऐसा होगा, आप ज्यादा टाइम भी अगर लगाएंगे, 5 मिनट की जगह 10 मिनट्स भी लगाएंगे, 15 मिनट भी लगाएंगे, वो सुनेंगे भी समझेंगे भी लेकिन पावर नहीं भरेगी. तो बाहर आएंगे तो अभी भी थोड़ा सा अंदर कुछ चल रहा होगा. कम समय में सामने वाली आत्मा को शक्ति भर के संतुष्ट करना वो बोलने से हो नहीं सकता. उसका एक ही तरीका है, हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई होने चाहिए. संत महात्माओं के सामने लोग जाते हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न लेकर जाते हैं, उनके सामने जाते हैं, कहते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, आपसे मिलकर हमारे क्वेश्चन खत्म. पावर, एनर्जी. तो ये वाइट सर्कल खुद को भी प्रोटेक्ट करेगा, ये वाइट सर्कल उनको एनर्जी देगा, ये वाइट सर्कल उनको संतुष्ट करेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाइट सर्कल उनको विश्वास दिलाएगा हम सही जगह पर हैं. भले वो कुछ भी सुनकर आए दुनिया में आसपास, वो आपसे मिलते ही उनको लगेगा नहीं मैं राइट जगह पर हूँ, मेरे अंदर का डाउट, मेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा. ये कोई बोलने से नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारे आचरण से, हमारे ऑरा से, हमारी एनर्जी फील्ड से हो सकता है. जितने हादसे पिछले कुछ सालों में हुए हैं कि हॉस्पिटल में कुछ कुछ बातें हुई हैं, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ कुछ कुछ बातें हुई हैं, उससे हमारे अंदर थोड़ा डर बैठ जाता है. हम कहते हैं हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे. अपनी रक्षा सिर्फ एक ही चीज़ कर सकेगी. कौन करेगा हमारी रक्षा, कौन करेगा हमारी रक्षा? कितनी सारे जीवन कथाओं में हम सुनते हैं कि संत महात्माओं के पास कभी कभी कोई उनको मारने की इंटेंशन से जाते हैं, सुनते हैं ना, है ना, पूरा पूरे इंटेंशन से, हाथ में हथियार होता है, पूरा पूरा तैयारी से जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने जाते हैं तो क्या हो जाता है? मारने की इंटेंशन से गए थे, पूरी तैयारी से गए थे, और उनके सामने जाके क्या हो जाता है, क्या कर देते हैं? सरेंडर करते हैं, नियत बदल जाती है, इंटेंशन चेंज हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम मारने की इंटेंशन से आए थे, हमें क्षमा करो. किसने किया ये चेंज, उनके एनर्जी ने. ये एनर्जी सर्कल ही हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है. डर के चिंता करके हमारी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती है, वो डर चिंता से तो हमारा एनर्जी सर्कल डाउन हो जाएगा.
रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के अपना एनर्जी सर्कल वाइट करके जब हम रोज हॉस्पिटल में जाएंगे हमारी वाइब्रेशन सबको मिलेगी। कुछ हो भी गया ना अगर, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपका एनर्जी सर्कल उनको विश्वास दिलाएगा कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल सही थी, बाकी हमारा भाग्य। लोगों को भी पता है, अनरीजनेबल नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं कि वो अपने ऊपर संयम खो देते हैं। आजकल तो रोड पे दो गाड़ी की टक्कर हो जाए तो लोग संयम खो देते हैं। गाड़ी को टक्कर लगने से अगर संयम खो सकते हैं तो परिवार के सदस्य को कुछ हो जाए तो संयम नहीं खोएंगे, खो देंगे, क्योंकि संयम यहाँ खोया हुआ है ऑलरेडी। वो छोटी छोटी बातों में जो चिल्ला दें, उनके घर वालों को कुछ हो जाए तो वो चिल्लाएंगे नहीं, तो युग बदल चुका है। इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन, सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल प्रोटेक्शन भी, हमारी प्रोटेक्शन वो एनर्जी सर्कल है। भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं भी जब आती हैं, लेकिन जो हाई एनर्जी की जगह होती है वो बच जाती है। बाढ़ आती है, मंदिर की सीढ़ी तक आती है, मंदिर बच जाता है, पानी वापस चला जाता है। क्यों? हाई एनर्जी स्पेस, हाई एनर्जी हमारी प्रोटेक्शन है। तो अपनी एनर्जी भी हाई रखनी है, हॉस्पिटल की ओवरऑल एनर्जी हाई रखनी है। ये हीलिंग भी करेगी, प्रोटेक्शन भी करेगी। ये रोज करना है, एवरी डे करना है। जब हम हॉस्पिटल में जाएं और अपनी सेवाएं शुरू करें, उससे पहले अपनी जगह पर बैठकर, जिस भी जगह पर आप बैठते हैं अपनी सेवा के लिए, पहले अपनी जगह पर बैठकर 2 मिनट साइलेंस से शुरू करें। और साइलेंस में पहले परमात्मा को याद करें कि मेरा कार्य मैंने अभी शुरू करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर क्या करें, परमात्मा की शक्ति को इन्वोक करें। फिर आप ड्रॉ करें कि परमात्मा की प्योरिटी से मेरे चारों तरफ क्या है, एक सर्कल है। आज सारा दिन मुझसे जो मिलने आएगा उसको मुझसे क्या मिलने वाला है, उसको मुझसे क्या मिलने वाला है, सिर्फ इलाज नहीं, इलाज नहीं, उसको मुझसे क्या मिलने वाला है, उसको मुझसे ये परमात्मा की प्योरिटी, पावर और ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप रोज़ ये थॉट क्रिएट करें। हर थोड़ी देर के बाद एक पेशेंट जाता है, एक पेशेंट आता है, अपना सर्कल चेक करें। थोड़े दिन के बाद आप जहाँ बैठते हैं आपका वो स्थान कैसा स्थान बन जाएगा, वो स्थान कैसा स्थान बन जाएगा, वो स्थान की वाइब्रेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लोगों को सिर्फ वहाँ आकर बैठकर ही सुकून मिल जाएगा। कोई सिस्टर होगी, कोई ब्लड सैंपल लेने वाला भैया, उसके पास आके ही लोग बैठेंगे, बोले यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है। हाई एनर्जी स्पेस, ये हाई एनर्जी स्पेसेस पूरे हॉस्पिटल में चाहिए। फिर जो अशांत मन में भी आएगा, गुस्से में भी आएगा, शोर मचाने की नीयत से भी आएगा, वो आके ठीक हो जाएगा, वो आके ठीक हो जाएगा। कोई प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, कोई सर्जरी शुरू कर रहे हैं, तो सर्जरी शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए? जिसका ऑपरेशन होता है वो किसको याद करके आता है? भगवान को याद करके आता है। उसके परिवार वाले बाहर बैठ के किसको याद कर रहे हैं? सबसे ज्यादा किसको याद करना चाहिए? जिन्होंने वो करना है उनको ज्यादा याद। परमात्मा को याद करना मतलब अपने मन को क्या कर लेना, बिल्कुल शांत, स्थिर, हाईएस्ट एनर्जी को इन्वोक करना, इंस्ट्रूमेंट बन के काम शुरू करना, कि जो मेरे हाथ में है वो मेरा इंस्ट्रूमेंट है और मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हो। जब आप वापस जाएं, इसको करके देखिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पूरा यूनिट जो एक प्रोसीजर के लिए या एक सर्जरी के लिए इकट्ठा हुआ है, पूरा यूनिट सब कुछ जब रेडी हो जाए, उसके बाद 1 मिनट साइलेंस में खड़े हो जाओ। एवरीबडी, सब डन है,
सब रेडी है, शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस, और उस 1 मिनट साइलेंस में हम थॉट क्रिएट करते हैं कि हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं, आप आकर हमें यूज़ करें, और ये जो सर्जरी है ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा, और ये पेशेंट बिल्कुल निर्विघ्न एकदम बढ़िया से ठीक होकर बहुत जल्दी घर, ये मनोस्थिति बनाकर परमात्मा की एनर्जी को वहाँ इन्वोक करके फिर सर्जरी शुरू करना। तो शुरू करने से पहले 1 मिनट, पूरा करने के बाद फिर से 1 मिनट के परमात्मा का शुक्रिया, सब लोग जो साथ में थे उनका शुक्रिया, और फिर परमात्मा की ब्लेसिंग उस आत्मा को कि आप बहुत जल्दी, क्योंकि सर्जरी तो हो गई लेकिन उसके बाद भी तो सब ठीक चलना चाहिए ना, तो आप बहुत जल्दी यहाँ से ठीक होकर घर जाएंगे फॉर एवर, बढ़िया दुआ देकर उस पेशेंट को वहाँ से भेजते हैं ओटी से बाहर। ये एक जीवन जीने का तरीका है। और दूसरा क्या है, भागते भागते आए, जल्दी जल्दी खड़े हुए, किसी ने कोई गलती की थी उसको डांट भी दिया। दो एनर्जीज हैं, दो एनर्जीज हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम अपने यहाँ ही सारा दिन कलयुग की एनर्जी भी बना सकते हैं, हम अपने यहाँ सारा दिन सत्युग की एनर्जी बना सकते हैं। जब हम ये 1 मिनट के साइलेंस, कोई भी काम, बच्चे पढ़ने बैठे 1 मिनट साइलेंस करें, 1 मिनट साइलेंस करें। जब सुबह बहन कह रही थी कि बच्चे पढ़ते नहीं, कहना नहीं मानते हैं, ये क्यों हो रहा है? आत्मा की शक्ति घटी हुई है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एंड घर की जो एनर्जी है, जैसे हमें अपने हॉस्पिटल की एनर्जी को बहुत हाई करना है, हमें अपने घर की एनर्जी को बहुत हाई करना है। बच्चों की एकाग्रता शक्ति के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना ना, पढ़ने बैठना है, वातावरण कैसा होना चाहिए घर का, उस घर में से क्या क्या हटाना पड़ेगा ताकि वहां का वातावरण शांत हो, टीवी और मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होती है, मोबाइल बहुत फायदे की चीज है, इससे हमारे बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। साधन यूजफुल होता है लेकिन साधन को यूज करने का तरीका, साधन को अगर सही तरह से यूज नहीं किया तो साधन हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। टीवी एंड मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, उसको कितना यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। अपना एक लक्ष्य बना लें कि मेरे बच्चों की ये पढ़ाई की जगह है ये घर, तो मेरे घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, हाई एनर्जी। सुबह का 1 घंटे का समय रखें अपने घर की एनर्जी को चार्ज करने के लिए। हम सब घर से निकलने से पहले फ़ोन चार्ज करते हैं, जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है वो लैपटॉप चार्ज करता है, हम सिर्फ खुद को चार्ज करें बिना बाहर निकलते हैं, बाकी सारी चीज़ों का चेक कर देते हैं कि बैटरी फुल है ना, ऐसा खुद को नहीं करते। तो सुबह का 1 घंटा घर में चार्जिंग का रखना चाहिए, विच मीन्स सुबह का 1 घंटा घर में न्यूज़, अखबार, टीवी पर खबरें, न्यूज़, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय क्या है, सुबह सुबह का समय क्या है, चार्जिंग का समय है। सुबह सुबह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन घर में नहीं फ्लोट होने चाहिए। कर सकते हैं सुबह 1 घंटा वातावरण चेंज? यस, इजी, कर सकते हैं सभी, डन, जाके करना है फिर वापस 1 घंटा। पहले सुबह क्या होता था, घर में भजन होते थे, पूजा होती थी, पाठ होता था, तो घर का हर सदस्य क्या हो जाता था, चार्ज होता था, हवन होता था, घर का वातावरण भी चार्ज हो जाता था। अब सुबह एक हाथ में फ़ोन है, सामने टीवी है, दूसरे हाथ में अखबार है, तीसरा चाय का कप है, तो टोटली हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, मॉर्निंग चेंज करते हैं घर की। हम करेंगे, धीरे धीरे बच्चे करेंगे। अगर हर घर में
बच्चे कुछ भी ना करें, सिर्फ पेरेंट्स मेडिटेशन करना शुरू कर दें, उस घर के बच्चे बदल जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स मेडिटेशन करके उस घर में क्या रेडिएट कर देते हैं? पावरफुल वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन सारे बच्चों को मिलते हैं, बच्चे बदल जाते हैं। घर में कले कलेश, कॉन्फ्लिक्ट, कई पेरेंट्स को हम कहते हैं आप इतना झगड़ा करते हो तो आपके बच्चों पर इसका असर पड़ेगा ना, कहते नहीं नहीं हम उनके सामने झगड़ा नहीं करते। एनर्जी तो दरवाजे को बंद होने से एनर्जी थोड़ी रुक जाएगी उससे। कलह कलेश मतलब सिर्फ झगड़ा, फिजिकल वर्बल नहीं। यहाँ क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में कलह कलेश चल रहा है तो घर का एनर्जी फील्ड क्या क्रिएट हो रही है? कलह कलेश के वातावरण में बच्चा एकाग्र होकर पढ़ेगा कैसे? हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसी आजकल? चलो बच्चों के छोड़ते हैं, हमारी कैसी आजकल? हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसी है? हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसी है? हाँ, 10 मिनट भी अगर एकाग्र होकर बैठना पड़े ना, स्टिल, मुश्किल लगता है लोगों को। सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, 30 सेकेंड का रेड सिग्नल है, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया उतनी देर में। ये एक संयम है जो वापस लाना पड़ेगा। हलचल हलचल वाली स्थिति है। अब हमारे ही हलचल के वाइब्रेशंस उस घर के वातावरण को क्रिएट करते हैं, वो बच्चों पर असर करते हैं, बच्चों के वाइब्रेशन भी हलचल वाले हो गए, वो पढ़ने बैठते हैं, एकाग्र होकर बैठ नहीं सकते। कैसे बैठेंगे जब हम एकाग्र होकर नहीं बैठ सकते? वो एकाग्र होकर कैसे बैठेंगे? तो हमें वो वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा, नॉट गोइंग टू हैपन। घर में कले कलेश नहीं, आपकी मनोस्थिति आपके बच्चे के परफॉर्मेंस और मार्क्स पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। बच्चों की एंजाइटी, बच्चों का स्ट्रेस पेरेंट की एंजाइटी से आ रहा है। पेरेंट्स अपने आप को शांत कर लें, बच्चे का मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं वो तो घर में बिल्कुल भी, घर को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं घर को? कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है घर को? अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए, आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मौन कर देते हैं घर में। आपके में से किसी के अंदर आदत है थोड़े दिन मौन होने की, कोई झगड़ा होने के बाद? कौन कौन मौन रखता है थोड़ी देर का कोई बात होने के बाद? उठा लीजिए, कोई बात नहीं, हम चेंज हो रहे हैं आज, हम कलयुग से सत्ययुग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कितनी देर का मौन रखते हैं? कितनी देर का मौन रखते हैं? एनीबडी? हाँ जी, कितनी देर का मौन रखते हैं? कुछ बात हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कितनी देर का मौन रखते हैं? 1 घंटे का। हाँ, आपका कितना? 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, एनीबडी मोर देन 1 घंटा? 1 दिन, ओके। एनीबडी मोर देन 1 दिन? 2 दिन, एनीबडी मोर देन 2 दिन? एनीबडी मोर देन 2 दिन? हाँ जी, 5 डेज। देखो फिगर भी फिक्स्ड है सबके, क्योंकि ये भी एक आदत बन जाती है ओवरऑल, आफ्टर सम टाइम ये एक हैबिट बन जाती है। और घर वालों को भी पता होता है, कहते इनको आज का दिन कुछ नहीं बोलो, ये कल ठीक हो जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वो भी हमें ठीक करने की कोशिश नहीं करते, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। आदतें एक्सेप्ट नहीं करते, मौन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये 1 दिन अभी। अब ये मौन घर के वायुमंडल को क्या करता होगा? ये मौन, क्योंकि ये पॉजिटिव मौन नहीं है, ये नेगेटिव मौन है, क्योंकि ये झगड़े के बाद वाला मौन है, ये अपनी नाराजगी दिखाने का तरीका है, ये दूसरे को झुकाने का तरीका है, दूसरे से 10 बार सॉरी बुलवाने का तरीका है। तो ये मौन पॉजिटिव मौन तो है नहीं, ये मौन घर के वातावरण को क्या करता होगा? जब हम यहाँ से बात करना बंद करते हैं, हम यहाँ ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं,
जब हम यहाँ नॉर्मल जल्दी नहीं लाते हैं तो हम यहाँ ज़्यादा सोचते हैं, सिर्फ उस दिन की बात नहीं सोचते, पुरानी बातें भी सोचना शुरू कर देते हैं। ये सीडी पूरी रिवाइंड हो जाती है, उस दिन भी ऐसे हुआ था, उस दिन भी ऐसे, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कितना भी मेहनत करो। लंबा सारा जो हमने सोचा, ये सारा जो हमने सोचा, ये कहाँ फैला, ये कहाँ फैला, इसने घर को दूषित किया। फिर बच्चों को भी बीच में बोलते हैं, उनको बुलाओ, बोलो खाना खा लो। तो सिर्फ खुद नहीं करते, घर को नहीं दूषित करते, हम उनको भी सिखा देते हैं कि ये जीवन जीने का तरीका है, दिस इज वे ऑफ लिविंग। हमने उन बच्चे को नहीं पता होता कि अगर कोई बात हो जाए तो उसके बाद बोलना बंद करना है, वो हमसे सीख लेता है। फिर जब इस दिन हमारी उसके साथ कोई ऐसे बात होगी ना, वो भी सेम मेथड यूज करेंगे, वो भी बात करना, फिर वो उनका एक अलग फिगर होगा, एक दिन दो दिन जो भी, या उनका ये फिगर हो जाएगा, जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे मैंने नहीं बात करनी आपसे। धीरे धीरे ये घर की संस्कृति बन जाती है, कल्चर बन जाता है। जब झगड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेकिन जब मौन होता है तो एनर्जी बहुत फास्ट डाउन होती है। अब संस्कार चेंज, बात हुई, पहले तो होगी कम, जाने के बाद सत्युग में जा रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कभी हो गई, बात हो गई, थोड़ा बहुत जो कहना था वो हो गया, कितनी देर में नॉर्मल, कितनी देर में नॉर्मल, कितनी देर में नॉर्मल करना है, कितनी देर, अब कितनी जल्दी अपने घर के वातावरण को बचाना है, अपने बच्चों को संभालना है, कितनी देर में नॉर्मल, हाँ, तो कितना हो सके आज डिसाइड करते हैं ना, यहाँ से जो डिसाइड करके जाएंगे वो हो जाएगा। जब ये डिसाइड कर लिया, एक घंटा, एक दिन, दो दिन, तो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कितनी देर में नॉर्मल। हाँ जी, गुस्सा तो कर लिया सब कुछ, ये तो उसके बाद का मौन है सारा, क्या करना चाहिए, कितनी देर के बाद नॉर्मल। इमीजिएट, पक्का? अच्छा, किस किस को लगता है हम इमीजिएट नॉर्मल हो सकते हैं? इतने से सिर्फ हैंड्स, 5 दिन, 5 दिन 5 सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, यू नो, 5 दिन 1 दिन, ये जो फिगर्स हम बोल रहे हैं, ये शरीर पे कितना असर डालते होंगे। इसलिए तो आपके पास भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो सारे संस्कार हैं, ये सारे बॉडी के लिए कितने डैमेजिंग है। यहाँ चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, थोड़ी देर भी कोई गुस्सा करे तो उसकी हार्ट बीट, पल्स सब चेंज हो जाती है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन करे कंटिन्यूस, तो कितना असर होने वाला है। ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होते हैं, फिर शरीर में बनते हैं, ट्यूमर यहाँ बनता है, फिर शरीर में मैनिफेस्ट होता है, फिर आपके पास आते हैं, आप उसको सिर्फ शरीर से निकाल सकते हैं। और पेशेंट कहता है, हाँ, लोग कहते हैं कुछ सालों के बाद ये फिर हो जाता है, डॉक्टर भी बता देता है कुछ सालों के बाद फिर हो सकता है। क्यों हो सकता है? निकाल दिया, क्यों होना चाहिए फिर से? क्योंकि यहाँ से निकाला, यहाँ से हॉस्पिटल निकालेगा, यहाँ से पेशेंट को खुद निकालना पड़ेगा। तो करे कन्वर्ट, 1 दिन 1 घंटे को 1 सेकंड में कन्वर्ट करें। यस, बात हुई, हो गई, बैक टू नॉर्मल, रेडी? 5 डेज, रेडी? या इट्स अ डिसीशन, नथिंग एल्स, ओनली 1 डिसीशन, आई विल बी बैक टू नॉर्मल। ये नहीं इंतजार करना कि सामने वाला कब नॉर्मल होगा, और ये भी क्राइटेरिया नहीं रखना, इस बार तो गलती उनकी थी तो पहले उनको बात करनी चाहिए। ये सब ईगो गेम्स हमारा कितना नुकसान करती है। ईगो हमारे अंदर है, लेकिन ईगो को अपने रिश्तों से ऊपर थोड़ी रख देना चाहिए। वो लोग हैं जिनकी कल तबीयत खराब हो तो उनके लिए हम अपने घर बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, हम उनके लिए अपना अहंकार घटा के उनसे पहले बात करने के लिए नहीं रेडी होते।
जब हम उनसे बात नहीं करते हैं, उनका मन दुखी होता है, उनके शरीर पर असर पड़ता है। बीमारियां एक दिन में थोड़ी बनती हैं, हमारे इन सारे संस्कारों की वजह से बनती हैं। तो क्रिएट किए नया संस्कार, इमिजिएटली नॉर्मल, यस यस श्योर। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे खाना नहीं खाना, हम कहेंगे चलो खाना खाते हैं सारे। जस्ट चेंज, बात हो गई ना। ये वही लोग हैं जिनके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो थोड़ा सा झुकने के लिए रेडी, नई आदत, बात हुई, हो गई, इमिजिएटली नॉर्मल। हर बार ऐसा नहीं, कभी कभी हम करेंगे, कभी कभी वो करेंगे, नहीं। कौन करेगा हमेशा? कौन करेगा हमेशा? मैं करूं। क्यों करूं? क्योंकि मैंने एक नया फिगर सेट कर लिया है कि कितनी देर में नॉर्मल। इट्स अ चॉइस, इट्स अ डिसीशन। प्रायोरिटी अगर ये रहे, मेरी स्थिति, मेरी सेहत, उनकी स्थिति, उनकी सेहत, मेरे रिश्ते, मेरे घर का वातावरण, तो एक मिनट भी बहुत ज़्यादा है फिर। लेकिन अगर प्रायोरिटी रही मेरा अहंकार, तो बहुत दिन चल सकता है। लेकिन जब प्रायोरिटी रही शांति, खुशी, सेहत, रिश्ते, घर की एनर्जी, एक सेकंड में आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से घर के वातावरण क्या होने लगेंगे? घर में शांति और सुकून होगा तब पढ़ाई हो सकती है। उससे पावर भी मिलती है बच्चे को और एकाग्र होने की शक्ति भी मिलती है। बच्चों को भी मेडिटेशन कराना शुरू करें। अगर बच्चे धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट एकाग्र होकर बैठते हैं, मन पर संयम, शरीर पर संयम, फिर जब वो पढ़ने बैठेंगे तो वो एकाग्र होकर बैठेंगे। एक अभ्यास करना चाहिए। वो समय गया अभी कि मेडिटेशन हमें कौन सी एज में करना है, मेडिटेशन अब हमें कौन सी एज में करना शुरू करना है, कौन सी एज में करना शुरू करना है? आत्मा की कौन सी एज होती है? आत्मा की कौन सी एज है? एज तो बॉडी की है। बच्चे जितनी यंग एज में शुरू करते हैं, उनका उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, पीयर प्रेशर से बचने में, पीयर प्रेशर से बचना है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब हम स्कूल में होते थे, जो बच्चे पास नहीं होते थे उनको टेंशन होती थी, आजकल जो फर्स्ट आते हैं उनको भी टेंशन होती है। तो अब इक्वल है, सबको टेंशन हो रही है। तो एंजाइटी लेवल क्लासरूम का भी कैसे हो जाता है? बहुत हाई हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए बच्चे अगर यंग एज से मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बच्चों को कराने के लिए पहले किसको करना पड़ेगा? पेरेंट्स को। कई बार पेरेंट्स बच्चों को सेंटर पर लाते हैं, कहते हैं इनको सिखा दो। कहा हम इनको नहीं सिखा सकते, हम आपको सिखा सकते हैं, आप इनको सिखाओगे? कहते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, इनको करा दो। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पेरेंट्स ने करना है, और फिर पेरेंट्स ने रोज़ घर पर करना है, रोज़ घर पर करना है। और पेरेंट्स के वाइब्रेशन से बच्चों का अपने आप होना शुरू हो जाता है। घर का नियम बना लें कि रोज़ सुबह उठ के हम इकट्ठे मिलकर करेंगे, रात को सोने से पहले हम 10 मिनट इकट्ठे बैठ कर करेंगे, इकट्ठे बैठ कर घर के लिए संकल्प करेंगे। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और बच्चे भूलते भी नहीं हैं, रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हमारे संकल्प और शब्द बहुत हाई एनर्जी के होने चाहिए। अपने बच्चों के लिए हर एक शब्द जो यूज़ करें वो हाई एनर्जी होना चाहिए। आज से एक लाइन यहाँ छोड़ के जाना, बच्चे कहना मानते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे खाना खाते नहीं। जितनी बार इसका उच्चारण करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा घर में। अब संकल्प को बदलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग बच्चे पढ़ते नहीं, क्या बोलेंगे आप? आप बताएंगे, नहीं आप वो बताएंगे। हाँ जी बहन, अच्छा खड़े हो जाओ, सबको सुनने दो। हाँ, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मेरे बच्चों की कंसंट्रेशन पावर क्या है?
हाईएस्ट है, जैसा आप सोचते जाएंगे उनके लिए, ये लॉ है, इसको करके कोई भी देख सकता है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। हम लो एनर्जी संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। आप एक दिन करके देखिए, आप शाम को घर पहुँचे, थके हुए हैं, आप सिर्फ 4-5 लाइंस बोल दीजिए, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए, सब कुछ दर्द हो रहा है, बहुत थका हुआ है। 5 लाइन के बाद वो थकावट जो इतनी थी वो बढ़ जाएगी, राइट और रॉन्ग? यस। अब थके हुए आए हैं, इतने थके हुए हैं, आप 5 लाइन बोलिए, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, कुछ और काम करना है मैं वो भी अभी कर सक, 5 बार, विच का मतलब थोड़ा सा संकल्प जो रिपीट करें वो सिद्ध हो जाएगा, अपने लिए, परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, काम के लिए। हर संकल्प पावरफुल करें, पॉजिटिव करें। घर में जब हम ये रेडिएट कर देते हैं, मानते नहीं, करते नहीं, वो सिद्ध हो जाएगा। आप घर में रेडिएट कर दो, ये बच्चे आज्ञाकारी हैं, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, हर एक कहना मानते हैं, कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ते हैं, और सफलता इनके लिए निश्चित है, सफलता इनके लिए निश्चित है। आप रोज़ रेडिएट करो इसको घर में, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। अपने सारे संकल्पों का ध्यान रखना है, ये याद रख के कि संकल्प से सिद्धि। कार्य को मुश्किल बोलेंगे, कार्य मुश्किल हो जाएगा, कार्य को सहज बोलेंगे, सहज हो जाएगा। आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कम पड़ता जाएगा। आप कहेंगे मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम बढ़ता जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स के संकल्प कौन सा किया है। संकल्प भी एक भाषा है। ज्ञान और मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी भाषा बदलनी शुरू हो जाती है, और जब भाषा बदलती है, संकल्प बदलते हैं, सिद्धि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। तो सारे लो एनर्जी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, ये ऐसा ही है, इससे तो होगा ही नहीं, ये तो करता ही है, ये तो बार बार ऐसे ही करता है, ये तो हमेशा ही ऐसे करता है, तो तथास्तु हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऐसी ब्लेसिंग्स पेरेंट्स ही दे देते हैं बच्चों को। इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन विधि सही नहीं है। जैसी विधि होगी वैसी सिद्धि होगी। जो आप चाहते हैं कि हो, ये लॉ लेके जाना, जो आप चाहते हैं कि हो वो संकल्प करना कि ये ऑलरेडी हुआ पड़ा है। आप चाहते हो कि बच्चा अच्छे से पढ़े, आप संकल्प करो वो रोज़ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जो आप चाहते हैं कि हो संकल्प करना वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, वो होता जाएगा। लेकिन फिर रोज़ सुबह भी वो संकल्प करना, रात को सोने से पहले भी संकल्प करना, दिन में बीच बीच में रुक रुक के वो संकल्प करना, बार बार संकल्प करते जाएंगे सिद्ध होता जाएगा। अपनी जीवन की कोई भी एक बात सामने ले आओ और अपने यहाँ फिट करो, हाथ आगे रखो और उसको 50% पर रखो, ऐसे कोई भी एक चीज़, कोई सेहत की बात, कोई मन की स्थिति की बात, कोई रिश्तों की बात, इसमें रखो। अब अगर इस प्रॉब्लम को यहाँ 50 पे रख के अगर हम इसको बार बार एनर्जी देते रहें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं होती, तो ये 50 से क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि हम इसको नेगेटिव एनर्जी का पानी दे रहे हैं। अब यही अगर हमें इसको 50 से 40 पे लाना है तो हमें क्या करना होगा, 50 से 40 पे लाना है तो हमें क्या करना होगा, क्या थॉट देंगे उसको, क्या संकल्प देंगे उसको, बताइए, कोई भी बताइए। सिंपल हेल्थ के लिए आपने खुद देखा होगा, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, ये है ये है ये, उनका शरीर भी ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने के अंदर,
और जो पेशेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब सब बढ़िया ठीक हो जाएगा सब बढ़िया ठीक हो जाएगा, उतना जल्दी ठीक होता है क्योंकि वो संकल्प कौन सा कर रहे हैं वो सिद्ध होता जाएगा। इस इक्वेशन को यूज़ करें अपने संस्कारों के लिए। परमात्मा कहते हैं जब हम पहली बार सेंटर पर आते हैं पहला संकल्प, परमात्मा कहते हैं संकल्प करो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इतना गुस्सा लेकर आते हैं, इम्प्योरिटी लेकर आते हैं, उसको नहीं वो देखता, वो कहते हैं संकल्प करो मैं सत्योगी आत्मा हूँ, बनने वाली हूँ नहीं हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सोचते जाओ, बोलते जाओ, बनते जाएंगे। दुनिया में आज लोग कह रहे हैं मैं स्ट्रेस्ड आत्मा हूँ, कोई कहता है मैं डिप्रेस्ड आत्मा, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। वोकैबुलरी चेंज, मैं सत्योगी आत्मा हूँ। मेरा शरीर कैसा है, शरीर कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, क्या बोलेंगे, परफेक्ट हेल्दी निरोगी कंचन काया। रिश्ते कैसे हैं हमारे, किसी भी रिश्ते के लिए आप देख लीजिए, अगर हम किसी रिश्ते के लिए कहें पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कितना भी कोशिश करो ठीक ही नहीं होता ये रिश्ता, ये रिश्ता ठीक होता ही नहीं है, कौन सी एनर्जी जा रही है, नेगेटिव, वो रिश्ता 50 से 60 से 70 हो जाएगा। अब उसी रिश्ते को देखो और संकल्प करो कि हमारी आपस में क्या बोलेंगे, अब हमारी आपस में बताओ क्या दुआ देंगे, हमारी आपस में बहुत अच्छी बत्ती है, हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ, संकल्प से सिद्धि। ये इक्वेशन है जीवन में अपनी चॉइस का भाग्य बनाने के लिए। सिर्फ संकल्प बदल दो, भाषा बदल दो, भाग्य बदल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। विधि सही रखनी है तो अपने लिए एक छोटी सी मेडिटेशन बनाते हैं जो हम आज रात को सोने से पहले भी करेंगे। कोई 5 संकल्प लेते हैं, अपने संस्कार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने काम के लिए और अपनी सृष्टि के लिए। अपनी नेचर के लिए कोई भी एक संकल्प लिखिए, आप लोग लिखिए, अभी अपने लिए लिखना है। जो भी नेचर बदलना चाहते हैं उसका काउंटर, मतलब गुस्सा खत्म करना है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल बींग। डर लगता है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बींग। दुखी हो जाते हैं जल्दी जल्दी, अपसेट हो जाते हैं, आई एम अ लवफुल बींग, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी एक चूज कर लीजिए, कोई एक। दूसरा, अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया, परफेक्ट हेल्दी बॉडी। अगर शरीर में कोई भी चीज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा है उसके लिए हम कहेंगे ये नॉर्मल है। रात को सोने से पहले कभी भी करके देखना, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, सोच के सोते हैं, सुबह दर्द बढ़ा हुआ होता है। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है, मैसेज देना है बॉडी को, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जो पैरामीटर अफेक्टेड है उसको नॉर्मल बोलना है, नॉर्मल है, होना चाहिए नहीं है। रिश्ते, जो रिश्ता ठीक करना है, चेंज करना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, मेरा उनके साथ बहुत बहुत प्यारा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है और हमेशा यूनाइटेड रहेगा।
अपने कार्य के लिए जो संकल्प करना चाहे वो संकल्प करें, जो आप चाहते हैं कि हो संकल्प कीजिएगा, वो ऑलरेडी है, और फिर उसके साथ ऐड कीजिएगा सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा संसार सतयुग है, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की शक्तियां मेरे अराउंड कवच है। किसी की कोई नेगेटिव थॉट क्या, कोई भी थॉट मेरे इस कवच के अंदर आ ही नहीं सकती। परमात्मा का ज्ञान मेरे अंदर भरपूर है, मैं सतयुगी आत्मा हूं। वोकैबुलरी चेक हो गई कैसी है? वोकैबुलरी क्लियर हो गई कैसी है? क्या है जो चाहते हैं कि हो, हमें संकल्प क्या करना है, वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। संकल्प से सिद्धि, मतलब जो थॉट क्रिएट करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। आजकल हम क्या करते हैं, जो हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो बढ़ जाएगा। अब इसको रात को सोने से पहले आप यही सोचते सोचते सो जाओ, तो रात की नींद कौन से संकल्पों के साथ शुरू हुई, कौन से संकल्प हो गए, जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो। अब अगर इसका ऑपोजिट सोचते सोचते सो गए बाय चांस, आज भी मूड खराब हो गया, आज भी झगड़ा हो गया, जब देखो ऐसा हो जाता है, वो बार बार ऐसा करता है, पता नहीं मेरा काम होगा भी कि नहीं होगा, बनते बनते रुक जाता है, कोई लो वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करके सो गए, तो वो थॉट अब 6-7 घंटे काम करेगी, और सुबह जब उठेंगे तो उसी थॉट पे उठेंगे। इसलिए रात को सोने से पहले के संकल्प बड़े ध्यान से करने चाहिए, वो सारी रात काम करते हैं। और जो रात को आप संकल्प करके सोएंगे, वो सुबह उठते ही आपका फर्स्ट संकल्प, एक तो परमात्मा को गुड मॉर्निंग, ताकि फर्स्ट थॉट में पहले कौन याद आया, फर्स्ट थॉट में पहले कौन याद आया, हाईएस्ट एनर्जी थॉट। फिर जो ये 5 संकल्प अपने लिए लिखे हैं, इसको रिपीट कीजिए, साइलेंस में बैठकर इसको रिपीट कीजिए, इसको देखिए कि ये हो गया है। और ये कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है, आपके जीवन में जो चल रहा हो उसके हिसाब से आप संकल्प लिखिए। सुबह किया, रात को किया, 3-4 बार किया, एक बार से मन एकाग्र नहीं होगा, 3-4 बार कर रहे हैं, रात को किया, दिन में जितनी बार टाइम मिले 1 मिनट के लिए रुक के रिपीट किया, खाना खाने से पहले परमात्मा को याद किया, 30 सेकेंड्स में इसको रिपीट किया, थोड़े दिन के बाद ये हमारा थॉट बन जाएगा, कोई और संकल्प आएगा नहीं। और जब ये हमारा संकल्प बन जाएगा, ये सिद्ध होना ही होना है। ये तो प्योर साइंस है, ये प्योर साइंस है कि थॉट्स मैनिफेस्ट, दे बिकम रियलिटी। और धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी से सारे नेगेटिव वर्ड्स क्या हो जाएंगे, अपने आप। जब ऐसी स्थिति पे हम पहुंच जाते हैं, आपके संकल्प और शब्द उनमें इतनी पावर आ जाएगी कि आप दूसरों को भी बोलेंगे तो दूसरों का काम हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है, आपने बोला, उनको शक्ति मिली, सिद्ध हो गया। विधि से सिद्धि, ज्ञान और योग इतनी पावर आत्मा के अंदर भर देता है। तो जब हम रोज क्लास जाते हैं सेंटर पर, रोज परमात्मा का ज्ञान भरते हैं आत्मा के अंदर, तो आत्मा की वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। तो जब हर सोच प्योर, हर वर्ड पावरफुल, तो डेस्टिनी कैसी हो जाएगी, श्रेष्ठ होनी ही होनी है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, इसको अभी रिपीट करते हैं। और जब हम संकल्प कर रहे होंगे, साथ साथ उसको विजुअलाइज करना कि ये परफेक्ट है,
रिपीट करना है, अंदर विजुअलाइज करना है, संकल्प बन रहा है।
बस चलना है, रूम में जाना है, सो जाना है। सोने से पहले इन संकल्पों को फिर से रिवाइज कर लेना, लेकिन सोने तक मौन में रहेंगे। उतना संयम जब करते जाएंगे तो आत्मा की विल पावर शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे उठते जाएंगे, बिल्कुल एंजल्स की तरह। फरिश्ते कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कोई आवाज़ नहीं आएगी। मन एकाग्र, शरीर एकरस, मौन में चलेंगे कमरे तक, और बिल्कुल साइलेंस होगा कमरे में भी। कल सुबह 4 बजे हम सब यहीं इकट्ठे होंगे, अमृत वेले योग इसी हॉल में होगा। 4 बजे का योग आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ता है। 4 बजे सुबह हम यहीं इकट्ठे होंगे।